हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिटी टाइप पर स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आज की हमारी रीडिंग है अर्थ साइन की राशि वालों के लिए मई महीना कैसा रहेगा। अर्थ साइन में राशि आती है टॉरस, वृषभ राशि, वर्गो, कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ये तीनों राशि हम एक साथ देखेंगे, लेकिन पहले हम टॉरस देखेंगे, उसके बाद वर्गो देखेंगे और उसके बाद कैप्रिकॉर्न देखेंगे, लेकिन एक ही इसकी एक रीडिंग बनेगी। ओके, और गाइस, इसके लिए मैं अलग अलग पाइल बना रही हूँ, फैमिली, लव लाइफ, कैरियर, हेल्थ और लास्ट में गाइडेंस भी देखेंगे। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टॉरस कि टॉरस के लिए मई महीना कैसा रहेगा। पहले आपकी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं कि मई महीने में टॉरस के लिए उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। यूनिवर्स, डिवाइन, अर्थ राशि वालों के लिए, अर्थ साइन की राशि वालों के लिए उनका मई महीना कैसा रहेगा। टॉरस राशि के लिए कैसा रहेगा मई महीना? यूनिवर्स, डिवाइन, टॉरस, आपकी एनर्जी क्या है? एक्शन, वॉकिंग अवे, यिन यांग, अटैचमेंट, गार्डन एंड द गेट, बॉटम टू डेक। हमारे पास है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, तो गाइस, टॉरस के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मई महीना आपके लिए बहुत ही शानदार और खूबसूरत रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको मई महीने में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, आपकी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन चल रही हो, अच्छी चल रही हो या बुरी चल रही हो, उसमें बीच में कुछ नए लोग मिलेंगे। उसमें से आपको लोगों को पहचानना आना चाहिए कि वो इंसान आपको धोखा तो नहीं देगा, क्योंकि मई महीने में कोई एक अजनबी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, वो अच्छे से बातचीत करेगा और वो आपको धोखा भी दे सकता है, या फिर कंटिन्यूसली कोई आपको धोखा दे रहा है वो बात आपको मई में पता चलेगी। ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है और किस इंसान के साथ कितनी बात शेयर करनी है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लाइफ में सफलता है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे उसके साथ भी सफल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है और बिजनेस भी अच्छा रहेगा। और एक बात कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर इस तरह से मानते हो कि वो छूट जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, इस वजह से आप पकड़ कर बैठे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको फ्रीडम देने की ज़रूरत है। चाहे कोई भी चीज़ हो, पर्सन हो या किसी भी सिचुएशन हो, थोड़ा फ्री वेल में छोड़ दीजिए कुछ वक्त के लिए, तो आपकी सारी सिचुएशन या किसी भी तरह की बाधा या परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। आपको थोड़ी अपने एक सिचुएशन या चीज़ या परिस्थिति को कुछ वक्त के लिए छोड़ देना है और उसको उसके हाल पर छोड़ देना है। गॉड को आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आपको गॉड को कहकर भी छोड़ सकते हो, जिससे आपको यकीन हो जाए कि मैंने इसको छोड़ा है, उसके बाद जो आपको जवाब मिलेगा उससे वो जवाब बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। इस वजह से अभी आप जो कुछ भी एक चीज़ हो, परिस्थितियाँ हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, उसको छोड़ना ज़रूरी है मई के महीने में, जिससे आपके सर के ऊपर थोड़ा आपको एक भार लग रहा है, बर्डन लग रहा है, टेंस लग रहा है, वो थोड़ा दूर हो जाए। बाकी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी मई महीने में। बहुत ज़्यादा आपकी प्रफुल्लित एनर्जी रहेगी, आप अपनी तरफ से मेहनत भी करोगे, बहुत सारे लोगों से मिलना भी होगा, आप अपनी फ्रीडम भी एंजॉय करने वाले हो और आप जो भी सिचुएशन को लेकर एक डिसीज़न लोगे वो बहुत ही बेहतर होगा। सिर्फ आपको खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए कुछ भी करना है। ओके, तो एनर्जी खूब, ये सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का मतलब होता है कि आप अपनी एनर्जी को बहुत ही बेटर तरीके से इस्तेमाल करोगे। ओके, नाइस गाइस, तो ये है रीडिंग गाइस, बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए फैमिली के साथ कैसा रहेगा मई महीना। टॉरस, यूनिवर्स, डिवाइन, फैमिली। ओके, वन मिनट गाइस, मोमेंट टू मोमेंट।
गोइंग विद द फ्लो द लवर्स बॉटम टू डेक हमारे पास है फ्रेंडलीनेस ओके फैमिली के साथ गाइस बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहेगा ओके क्योंकि लवर्स का कार्ड आ गया है आप गोइंग विद द फ्लो में चलने वाले हो वर्क के साथ चलने वाले हो इस वजह से किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपने वर्क को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया है इस वजह से जीवन में सरलतापूर्वक कुछ बातें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए वो बात आप समझ जाओगे मई महीने में इस वजह से थोड़े शांत रहोगे काम रहोगे और आप अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले हो अपनी कुछ चीज़ें बाकी है जो पूरी करनी बाकी है वो उसके ऊपर ध्यान दोगे और उसको ख़त्म करोगे मई के महीने में फैमिली के साथ आप अच्छा वक्त बिताओगे जो आपके साथ अच्छे रहेंगे उनके साथ आप भी अच्छे रहोगे जो आपके साथ एक मूड बनाकर चलेंगे उसके साथ आप भी उनके साथ मूड बनाकर चलोगे मतलब आप एक कम्फर्टेबल जोन में रहोगे मई के महीने में अच्छा वक्त बीतेगा आपका फैमिली के साथ ये है रीडिंग गाइस बाय गाइस हाय गाइस चलिए टॉरस के लिए लव लाइफ कैसे रहेगी मई महीने में और लव लाइफ को लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि मई महीने की आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी उसके लिए अलग वीडियो बना रही हूँ ओके तो उसमें सिंगल्स या लवर्स या किसी भी तरह की आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो और उनके साथ सेपरेशन हो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो वो सब कुछ उसमें आएगा तो आप उस रीडिंग का इंतज़ार कर सकते हो ओके हर राशि की अलग लव लाइफ को लेकर रीडिंग रहेगी यूनिवर्स डिवाइन फोर ऑफ पेंटिकल थ्री ऑफ कप किंग ऑफ पेंटिकल ओके बॉटम टू डेक हमारे पास है दी हेरल्ड ओके तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि लव लाइफ को लेकर आपका जो ये महीना है मई का कुछ हद तक अच्छा रहेगा आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिता पाओगे लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में चल रहे हैं गाइस उनको बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल लाइफ पसंद है बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहने वाले इंसान नहीं हैं उन्होंने काफ़ी कुछ एक खराब पल या पड़ाव देखा है स्टेज देखा है इस वजह से वो एक मनी मैटर को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं इस वजह से वो आपको वक्त कम दे रहे हैं इसका ही आपको थोड़ा गिला सिकवा है और कुछ भी नहीं तो मई के महीने में भी वो थोड़ा बिजी रहने वाले हैं तो आप अपनी तरफ से अपनी लाइफ को लीजिए और थोड़ा खुश रहने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाइए अपने पर फोकस कीजिए सेल्फ लव कीजिए और आप में से 10% लोगों के पार्टनर आपको लेकर एक मैरिज का या सगाई का डिसीज़न ले सकते हैं 10% लोगों के 90% लोगों के पार्टनर गाइस उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि वो अपने एक कैरियर लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली है मई के महीने में ओके और आप दोनों के रिश्ते में आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी है लेकिन थर्ड पार्टी नहीं है वो ज़्यादातर कैरियर में ही ध्यान देते हैं और आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो उनकी कैरियर मतलब बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर इमोशंस वाइज बहुत ही कम सोचते हैं तो आप दोनों के रिश्ते में सिर्फ कैरियर ही है और लॉन्ग डिस्टेंस किसी का है गाइस आप में से 10% लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी आपके पार्टनर कैरियर के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं ओके और कोई प्रॉब्लम नहीं है जो लोग मैरिड है आपके हस्बैंड भी कैरियर में ही ज़्यादातर ध्यान देने वाले हैं आपके साथ एन्जॉयमेंट के पल थोड़ी कम ही बिताएंगे जो लोग सेपरेशन में हैं जिनों का ब्रेकअप हो गया उनके लिए भी यही कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन प्रैक्टिकल ज़्यादा है उससे बाहर निकलने के लिए उनकी एनर्जी को आपको थोड़ा स्विच करना पड़ेगा मतलब कि उनको भी थोड़ा इमोशंस सिखाना पड़ेगा और वो आपकी तरफ से ही आप कर सकते हो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर कीजिए जिससे उनको भी इमोशंस समझ में आए कि इमोशंस क्या होते हैं बाकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है उसको बदलना ज़रूरी है उनके पूरी तरीके से स्वभाव को
नहीं बदला जा सकता, लेकिन उनके अंदर एक इमोशंस फीलिंग जरूर पैदा की जा सकती है। तो वो काम आपके हाथ में ही है, आप ही कर सकते हो। ओके, ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं कैरियर वाइज कैसा रहेगा टॉरस के लिए। मई महीना यूनिवर्स डिवाइन कैरियर वाइज कैसा रहेगा। चाओस एंड कॉन्फ्लिक्ट ब्रीथ सोलमेट। ओके, बॉटम ट्रेक हमारे पास है वाई। ओके, तो कुछ लोगों की नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, तो आपको पेशेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि गोइंग विद द फ्लो में चलोगे तो मई महीना आसानी से कट जाएगा, वरना आप ज़्यादातर टेंशन लोगे, परेशानी में रहोगे, उससे भी कुछ हल निकलने वाला नहीं है, कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं मिलने वाला मई के महीने में, तो पहले तो टेंशन मत लीजिए। कैरियर वाइज कुछ संघर्ष रहेंगे आपको, आप कोशिश करेंगे तो आपको अपने कैरियर वाइज जो भी आंसर चाहिए वो आपको मिलेंगे, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और किसी से एक सपोर्ट या साथ खुद से ही लेना सीखना पड़ेगा। आप घमन से अकड़ से चलोगे तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको सामने से ही एक फ्रेंडशिप या सपोर्ट्स ढूंढना पड़ेगा खुद से ही, तो आपको सारे ही लोग मई के महीने में सपोर्ट भी करेंगे। और आपका काफ़ी हद तक जो एक संघर्ष एक कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर हो सकता है, लेकिन आपकी अपनी कोशिश ही रहेगी मई के महीने में। आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोशिश करोगे मेहनत करोगे तो मिलेगा मई के महीने में। यही है टॉरस के लिए। ब्रीथ का मतलब भी यही है कि आपको जो भी आप सोचते हो करना चाहते हो वो सोच समझ कर करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने कहा कि गोइंग विद द फ्लो में चलिए, धीरे धीरे चलिए, पेशेंस बनाकर चलिए, तो आपको अपने कैरियर के सारे ही आंसर मई के महीने में मिलने वाले हैं। और आप सोचते हो कि मैं ही क्यों, मेरी लाइफ में ऐसी सारी प्रॉब्लम क्यों आई है, मुझे ही क्यों गॉड ने चुना है, ये सारे सवाल। अब मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि आपको खुद से ही खुद को पहचानने की ज़रूरत है, खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है, वरना इस वाई के क्वेश्चन में आपकी खुद का समय बर्बाद होगा और आपका वक्त चला जाएगा। तो ये वक्त अच्छा है वो चला जाए, इससे पहले इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। ओके, बाकी आप जिससे भी पार्टनरशिप करोगे या फ्रेंडशिप करोगे वो सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, तो उसका लुत्फ उठाइए, फ़ायदा उठाइए। बाकी मई के महीने में मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा। ओके, ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहेगा टॉरस के लिए मई महीना यूनिवर्स डिवाइन। मई का महीना कैसा रहेगा हेल्थ वाइज यूनिवर्स डिवाइन। कॉम्प्रोमाइज नो और फॉरगिवनेस। ओके, बॉटम टू टेक हमारे पास है आस्क योर एंजल। ओके, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने पूर्वजों को लेकर, अपने एंसेस्टर को लेकर नहीं किया है, तो वो कर दीजिए। अब जिन्होंने किया है उनके लिए कहा जा रहा है कि आपको थोड़े अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर चिढ़ जाते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर एक परेशान हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, तो इससे बाहर निकलना है। हेल्थ के ऊपर ही फोकस करना है, खान पान के ऊपर ध्यान देना है, टाइम पे दवा लेनी है, सब कुछ अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस रहना है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाते हो, किसी के साथ नोकझोंक भी कर लेते हो, गुस्सा भी हो जाते हो, और ये आपके लिए ठीक बात नहीं है। और आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ जल्दी ठीक करनी हो, तो आपको पहले जो भी गलतियाँ आपसे हुई है वो आपको याद करनी है। और आपको नहीं भी पता हो कि आपने क्या गलतियाँ की है, तो आपको दिल से आंखें बंद करके गॉड को याद करना है और दिल से कहना है, मन ही मन,
कि मुझे मेरी गलतियों को लेकर मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मुझसे अनजाने में हुई हो या जानबूझकर हुई हो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से आपको बोलना है। और आपको जिनको आपने तकलीफ़ दी हो, कष्ट दिया हो, दुख दिया हो, उनको भी याद करते हुए उनसे भी माफ़ी मांग लेनी है इस तरह से, और गॉड से भी माफ़ी मांगिए। ओके, और आपको खुद को भी माफ़ करना है, चाहे आपसे कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो या नहीं भी हुई हो, खुद को माफ़ करना सीखिए, जिससे आपकी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी। और आपको कुछ आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आपको गॉड के साथ बातचीत करनी है, मन ही मन गॉड को याद करते हुए सब कुछ अपने बारे में बता देना है। वो आपको इंट्यूशन के जरिए कुछ ना कुछ आंसर देते रहेंगे और आप इजी के वे में हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको गॉड के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, तभी ये सारे काम आपकी हो जाएंगे और हेल्थ पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी। ओके, ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है टॉरस। ओके, वीनस डिवाइन टेम्परेंस बॉटम प्रोजेक्ट मून। ओके, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, मतलब गोइंग विद द फ्लो में चलोगे तो इधर उधर नहीं होगी, और आपका आत्मविश्वास भी इधर उधर नहीं होगा, आपकी एनर्जी भी इधर उधर नहीं होगी, जिससे कि आप पॉजिटिव में हो और अचानक नेगेटिव वे में चले गए या नेगेटिव एनर्जी आपको मिल गई, तो इस तरह से नहीं होगा। इस वजह से आपको शांति से चलना है। कोई कुछ आपको बोल रहा हो तो ध्यान से सुनना है कि वो क्या कहना चाहता है, गुस्सा नहीं होना है, दिल पर नहीं लेना है, और शांत रहकर सुनना है कि वो क्या कह रहा है। आपको जब लगे कि मुझे आंसर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी इंसान चुप रहेगा, तो वन वर्ड्स में ऐसा कुछ बोलिए जिससे वो चुप हो जाए। ओके, मून की एनर्जी थोड़ी मई के महीने में आपको, ये मून की एनर्जी ही है जो आपको थोड़ा बैलेंस इधर उधर हो सकता है मई के महीने में। इस वजह से हर रात को आपको मून चंद्रदेव को याद करना है और उनको कहना है कि हे चंद्रदेव, मेरी मून की एनर्जी को बैलेंस रखिए, जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। हर रात आपको कहना है, एक महीना करना है, उससे पता चल जाएगा कि आपकी मून की एनर्जी कितनी बैलेंस हो गई है। ओके, और बैलेंस होती है तो आगे भी करते चले जाना है। ये है रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाई वर्गो कन्या राशि, तो आपके लिए हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसे रहेगी मई के महीने में। कन्या राशि के लिए यूनिवर्स डिवाइन वर्ग राशि के लिए उनकी एनर्जी कैसी रहेगी मई के महीने में। एक्शन वुमन होल्डिंग अ कॉइन द वर्ल्ड। ओके, और एंजल ऑफ बैलेंस ब्रोकन हार्ट बॉटम ट्रेक हमारे पास है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, आपको सिर्फ यही कहूँगी कि बहुत ही बेहतर रहेगा, आपकी एनर्जी भी अच्छी खासी परफेक्ट रहेगी। आपके अपने एक मन को, आप एक चंचल हो, स्टेबल नहीं रहता हो, तो वो भी आप कर लोगे मई के महीने में। वह क्या बात है गाइस, मतलब आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस रखोगे, बैलेंस का ही कारक है। इस वजह से आप जो भी करोगे वो सब कुछ ठीक होगा पूरी तरह से। आप अपने कैरियर में ग्रो करोगे, आप घूमने फिरने जा सकते हो, अच्छा डिसीज़न लोगे, अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताओगे। नाइस, ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं फैमिली के साथ मई महीना कैसा रहेगा। वर्गो सप्रेशंस कंप्लीशन सेलिब्रेशन बॉटम टू टेक हमारे पास है हीलिंग। ओके, तो आपकी फैमिली में गाइस एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी में काफ़ी सारे बदलाव आप मई में देखेंगे। इस वजह से काफ़ी अच्छा अपने आप को प्रफुल्लित रखोगे, अपनी फैमिली को भी खुश रखोगे, और अपने आप में एक संपूर्ण कंप्लीशन महसूस करोगे। ओके, और जो आपको एक बर्डन या भार लग रहा है वो मई के महीने में पूरी तरह से दूर हो जाएगा पूरी तरीके से। इस वजह से खुशियाँ ही खुशियाँ आई, और फैमिली में आप सभी लोगों के साथ एंजॉय करोगे। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस।
हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा मई का महीना। टू ऑफ पेंटिकल, वर्गो, जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल, बॉटम टेक हमारे पास से नाइन ऑफ सर्ड। अभी तक लगातार आप उनका इंतज़ार कर रहे थे तो आपको जस्टिस मिलेगा मई के महीने में। उनका मैसेज या फोन आ सकता है। और लव लाइफ को लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि मई के महीने की लव लाइफ में अलग वीडियो बना रही हूँ सभी राशियों के लिए, तो आप इसका इंतज़ार कर सकते हो जिससे आपको काफ़ी सारे आंसर मिलेंगे। अब टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी दिखाती है गाइस कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर दूर दूर आप रहते हो, इस वजह से मिलना नहीं होता है, तो मई के महीने में वो आपको मिलने आ सकते हैं। और आपके पार्टनर की एनर्जी अभी तक इधर उधर हो रही थी तो वो पूरी तरह से बैलेंस रहेगी। वो तो ज़्यादा कैरियर में ध्यान जरूर देंगे लेकिन आपके ऊपर भी ध्यान देंगे और आपको भी अच्छा खासा वक्त भी देंगे, इस वजह से मैंने कहा कि मैसेज या फ़ोन आ सकता है। और अभी तक आप इस तरह की एनर्जी में हो तो इससे बाहर निकलना है आपको, और आपको खुश रहना है, सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, ओके, जिससे आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से अच्छी रखो, खुश रहिए, नेगेटिव नहीं रहना है। आपके पर्सन आपको ही प्यार करते हैं, उनके मन में किसी भी तरह की कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है आप दोनों के रिश्ते में, सिर्फ वो अभी करियर में ध्यान देना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए। वो आपके साथ बातचीत करने आएंगे तो उनके साथ प्यार से बातचीत करिए, प्यार से डील कीजिए, ओके। ये है रीडिंग गाइस, बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए कैरियर वाइज देख लेते हैं वर्गो के लिए मई महीना कैसा रहेगा। कैरियर वाइज यूनिवर्स डिवाइन न्यू लाइफ क्लीन एट ऑफ मिल्क एंड हनी, ओके। बॉटम टू टेक हमारे पास से इमेज है। आप मई के महीने में कैरियर वाइज बहुत सारे काम जो आपको पूरे करने हैं वो आप पूरे कर जाओगे। आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपका संपूर्ण पण मतलब कि पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह की आपका जो काम हो वो पूरा नहीं हो रहा था तो वो मई महीने में पूरा हो जाएगा। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी पास हो सकता है। आपको लगेगा मई के महीने में कि मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है, नई लाइफ स्टार्ट हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ है और बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, इस तरह से आपको मई में लगेगा वर्गो के लिए। और आपने जो भी एक इमेजिन किया है, कल्पना की है और जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में कैरियर वाइज, वो सब कुछ आपको मई के महीने में मिलेगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश रहोगे आप। और आप किसी के नेगेटिव कर्मा की साइकिल वर्गों के लिए कंप्लीट हो रही है मई के महीने में, इसलिए हेड्स अप गाइस, आपने काफ़ी अच्छा वक्त बिताया है नेगेटिव कर्मा की साइकिल। जब लोगों की लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चलती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो वो अब कंप्लीट हो रही है और आपका जीवन, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। इस वजह से आपको एक अच्छा और पॉजिटिव फील होगा, ओके। ये है रीडिंग गाइस, बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहेगा वर्गों के लिए मई महीना। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सक्सेस, फॉरगिवनेस। बॉटम टू टेक हमारे पास है अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। तो जिन लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उनकी हेल्थ मई के महीने में वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी या फिर 2022 में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, ओके। यही आपके लिए आंसर है। आप हेल्थ वाइज किसी भी तरह की एक कुछ अलग फील कर रहे हो तो वो मई के महीने में आपको आंसर मिल जाएंगे, इस वजह से आप खुश रहेंगे। और आपको लगता है कि आप ने कुछ गलतियाँ की है या नहीं की है, फिर भी आपको गॉड को माफ़ी मांगनी है जिससे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा। आपको खुद को भी माफ़ कर देना है और जिन लोगों को आपने एक तकलीफ दी है उनको भी मन में याद करते हुए उनको भी माफ़ कर देना है जिससे आपकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक होती चली जाएगी, ओके। ये है रीडिंग गाइस, बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए वर्गों के लिए। स्ट्रेंथ, बॉटम टू टेक डेविड, ओके। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपनी
हिम्मत का, अपनी पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो मई महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। आप गलत रास्ता भी चूज़ करोगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वो लंबे वक्त तक टिकेगी नहीं, लाइफ टाइम नहीं रहेगी, कुछ वक्त के लिए ही रहेगी। तो आपका ही, आपकी ही पसंदगी होनी चाहिए कि आपको किस रास्ते के ऊपर जाना है, क्योंकि आपके लिए दोनों ही रास्ते मई के महीने में बहुत ही क्लीन और अच्छे रहेंगे। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मई महीना कैसा रहेगा आपके लिए? कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी से ही देखते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन जर्नी, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, डोंट वैल्यू एक्शन, द थिंकिंग मैन, इनडिसीजन। बॉटम टू डेक हमारे पास है एंजल ऑफ पेंस। ओके, कैप्रिकॉर्न के लिए आपकी एनर्जी एक फ्रूटफुल रहेगी, कैरियर वाइज तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप कुछ सोच रहे हो तो वो आपकी सोच पूरी तरह से ठीक रहेगी, मतलब कि आप कुछ करना चाहते हो और वो अभी तक नहीं हो रहा है तो वो मई के महीने में हो जाएगा गाइस। ओके, और अभी तक आप रुके हुए तो उसके आपको आंसर मिल जाएंगे। बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है लेकिन वो प्रैक्टिकल वे में नहीं आ रहा है तो वो मई के महीने में आपको दिखाई देगा। आप काफ़ी अच्छा डिसीजन लोगे, अच्छी तरह से रहोगे, इस वजह से अवेयरनेस भी अच्छी आ रही है, बढ़ोतरी हो रही है और आप अपने आप को संभाल दोगे मई के महीने में अच्छी तरीके से, या संभालना जान जाओगे। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, मई के महीने में फैमिली के साथ कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स, डिवाइन स्ट्रेस, नथिंगनेस, ब्रीथ। बॉटम टू डेक हमारे पास है इंटीग्रेशन। अभी तक आपको लग रहा है कि मेरी अहमियत नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, तो मई के महीने में आपको दिखाई देगी, क्योंकि आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही थी तो वो मई के महीने में कंप्लीट हो रही है। फैमिली वाइज, इमोशनल वाइज, किसी भी तरह की कर्मा की साइकिल चल रही थी वो कंप्लीट हो रही है, इस वजह से बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि ये मुझे चीट करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, धोखा देने के लिए ये सब कुछ अच्छा बिहेव या नाटक कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। तो आपको ऐसा नहीं मानना है, उनके साथ अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, क्योंकि जो भी लोग आपके लाइफ में अब आएंगे वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको रखेंगे, संभालेंगे, तो उनकी कदर कीजिए। जब तक ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल चलती है तब तक एक दुख परेशानी रहती है, इस वजह से आपको लोगों के ऊपर विश्वास करने में थोड़ा वक्त लगेगा, बस यही, लेकिन आप कर जाओगे। ओके, ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए लव लाइफ को देखकर देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए लव लाइफ मई के महीने में कैसे रहेगी। लव लाइफ को लेकर मई महीने की अलग प्रेडिक्शन मैं बना रही हूँ, तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। ओके, टेन ऑफ वांड, फोर ऑफ वांड, जस्टिस, सुपर, तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, 2022 में मई के महीने में किसी की सगाई या शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, या 2022 में आपकी शादी हो जाएगी आपके पसंद के साथ, क्योंकि एक बदलाव, चेंज आप दोनों के रिश्ते में आएगा और आपके पर्सन आपके लिए अचानक से डिसीजन लेंगे। ओके, और आपको जस्टिस मिलेगा, और अभी तक आप इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, वो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। 2022 में सब कुछ हो जाएगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और बहुत कुछ अपने माइंड में आपको ले लिया है, तो उससे बाहर निकलिए, आपके पसंद के ऊपर भरोसा रखें। आप दोनों के रिश्ते में किसी भी तरह की थर्ड पार्टी नहीं है, वो आपके पास ही आएंगे 2022 में और आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा उनको वक्त दीजिए, अभी आप दोनों की बातचीत ना हो रही हो तो। ओके, ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए कैरियर वाइज देखते हैं कि मई महीना कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए। कैरियर वाइज, ट्रेजर आइलैंड, सोलमेट्स, ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है येन। ओके,
तो आपके लिए कैरियर वाइज मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जो कुछ भी चाहोगे वो आपको मिलेगा, आपका सपोर्ट भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा और आपकी कैरियर स्मूथली मई के महीने में चलने वाली है। आप लोगों का प्यार आपके ऊपर रहेगा, इस वजह से आप भी खुश रहोगे, उनका सपोर्ट भी मिलेगा और इस सही तरीके से अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे मई के महीने में। ओके बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए हेल्थ वाइज देख लेते हैं मई का महीना कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स डिवाइन सक्सेस, डोंट स्टॉप, रिकंसीडर। ओके बॉटम टूडे हमारे पास इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको लिए कहा जा रहा है कि जो कुछ भी अभी आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए, आपको रुकना नहीं है, इससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। आपको लग रहा है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है तो उसमें ही आगे बढ़िए, वरना आपको कहा जा रहा है कि आपने जो कुछ भी करा रहे हो हेल्थ वाइज वो आपके ऊपर नहीं काम कर रहा है, हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है तो आपको कहा जा रहा है कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है, दवाइयाँ चेंज करने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट चेंज करने की ज़रूरत है, इस तरह से है। ओके तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी हेल्थ पूरी तरह से मई के महीने में अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको अपने तरीके से ही अच्छा और प्यारा डिसीज़न लेना है और किसी प्रोफेशनल इंसान से काउंसलिंग लेनी है जो आपको हेल्थ वाइज अच्छी गाइडेंस दे सके। ओके बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है मई के महीने में। मून ओके बॉटम अटैक है डेविल। ओके तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी जो मई के महीने में बैलेंस रहेगी उसके लिए उधर उधर नहीं होना है, क्योंकि आपकी मून की एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस रहेगी, इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन को अपनी लाइफ में अच्छी तरह से ले पाओगे और अच्छी तरह से उसमें आगे बढ़ पाओगे। लेकिन आपको यहाँ कहा जा रहा है कि मून की एनर्जी का मतलब होता है पॉजिटिव आधा और पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन डेविल की एनर्जी आई है इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरीके से नेगेटिव भी कर सकते हो मई के महीने में और पूरी तरीके से पॉजिटिव भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। ये है रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।